योगा क्या सिर्फ भारत में ही पॉपुलर है? क्या सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही योगा को अपनाते हैं और उसे करते हैं? नहीं, अभी अपनी सीमाएं लांग चुका है, देश के हिसाब से भी और धर्म के हिसाब से भी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि विश्व के बहुत से देश इसे अपना रहे हैं, वहां के लोग योगा कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी योगा पॉपुलर होने लगा है। पाकिस्तान के बहुत से इंस्ट्रक्टर योगा सिखा भी रहे हैं और वहां के लोग इसे सीख भी रहे हैं। वहां के बहुत से पार्कों में आपको सुबह सुबह लोग योगा करते दिख जाएंगे। गाइस, कराची और लाहौर के लोग भी ये समझने लगे हैं कि अगर हमें कोरोना जैसी महामारी से बचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है तो योगा बहुत जरूरी है। इसे कभी किसी देश या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, आज है 1 जुलाई और आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि आज के दिन इंडिया में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस सिचुएशन में तो इस दिन की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी की वजह से ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ पा रहे हैं। पर सवाल यह है कि 1 जुलाई को ही हम लोग डॉक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि 1 जुलाई 1882 को फेमस फिजिशियन, फ्रीडम फाइटर और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था और 1 जुलाई 1962 को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर बीसी रॉय की इंडिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाने में मुख्य भूमिका रही थी और उनके इन्हीं कार्यों की वजह से 1961 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। गाइस, 1 जुलाई का यह दिन हर मायने में हमारे लिए बहुत खास है तो आज A2 फैमिली की तरफ से सारे डॉक्टर्स को सैल्यूट है।